जिला पुलिस कुरुक्षेत्र ने नीलकंठ ढाबे पर मारपीट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। थाना इस्माइलाबाद पुलिस ने नीलकंठ ढाबे पर मारपीट मामले में आरोपी सतपाल पुत्र फूल सिंह, प्रिंस पुत्र सतपाल सतीश व हरदम सिंह पुत्रान जय सिंह वासियान अजरावर थाना इस्माइलाबाद व धीरज पुत्र सुरेश कुमार वासी बुधीना जिला मुजफ्फरनगर यूपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। ये जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक करण गोयल ने बताया कि 4 सितंबर को हरप्रीत सिंह पुत्र सरदार साधु सिंह वासी जडोके थाना सहराली जिला तरनतारन पंजाब ने थाना इस्माइलाबाद पुलिस को दी अपनी शिकायत में बताया कि वह ड्राइवरी करता है। 4 सितंबर को वह उसके साथ गुरलाल सिंह गुरप्रीत सिंह पुत्रान साधु सिंह गुरप्रताप सिंह पुत्र मंजीत सिंह वासी टपई थाना हकीमावाला जिला अमृतसर सुखदेव सिंह पुत्र लखवन सिंह वासी टूटिया वाली गली जिला तरनतारन में 4 महिलाएं महाराष्ट्र से मोहाली जा रहे थे। वे अलग अलग गाड़ियों में थे। रास्ते में वे अजरावर के पास नीलकंठ ढाबा पर खाना खाने के लिए रुके। वे खाना खाने लगे तो उनको खाना खराब लगा, जिसकी शिकायत उन्होंने ढाबा मालिक से की तो वह उनसे बहस करने लगा। उनकी आपस में बहस हो गई और तो ढाबा मालिक गाली गलौज करने लगा। उसी समय ढाबे के अंदर से 5 व्यक्ति और आ गए। उन्होंने उनके साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। उन्होंने उनकी पगड़ी उतारी और उनके केशों की बेअदबी की और औरतों के साथ भी मारपीट की व गाली गलौज की। उन्होंने उनके गाड़ी के शीशे भी तोड़ दिए और जान से मारने की धमकी भी दी, जिसकी शिकायत पर थाना इस्माइलाबाद में मामला दर्ज करके जांच सहायक उपनिरीक्षक दलेर सिंह को सौंपी गई। 4 सितंबर को थाना इस्माइलाबाद के प्रभारी उपनिरीक्षक जगदीश चंद्र के मार्गदर्शन में सहायक उपनिरीक्षक दलेर सिंह, हवलदार संजीव कुमार और कुलदीप सिंह की टीम ने नीलकंठ ढाबे पर मारपीट के मामले में आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी प्रिंस के कब्जे से मारपीट में प्रयोग किया गया एक बिंडा भी बरामद किया गया। 5 सितंबर को पुलिस टीम ने आरोपी सतीश व हरदम सिंह व जिला कुरुक्षेत्र व धीरज पुत्र सुरेश कुमार को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों को माननीय अदालत में पेश किया गया। कल थाने में सूचना प्राप्त हुई थी कि नीलकंठ ढाबे पर झगड़ा हो गया है। जिस सूचना पर पुलिस मौके पर गई तो वहाँ देखा कुछ श्रद्धालु धार्मिक यात्रा पे महाराष्ट्र हजूर साहब से आए थे और वो नीलकंठ ढाबे पे खाना खाने के लिए रुके थे, जहाँ पर खाने के ऊपर उनका आपस में कहासुनी होगी और नीलकंठ ढाबा मालिक व उसके लड़कों ने उनके साथ मारपीट की। जब वो श्रद्धालु इलाज के लिए चले गए थे, कुरुक्षेत्र एलएनजेपी अस्पताल से उनका रुका प्राप्त हुआ। वहाँ पर जाकर हरप्रीत सिंह सुनोब सरदार साधु सिंह की स्टेटमेंट ली गई, जिसने अपने स्टेटमेंट में अंकित करवाया कि वो कुल 21 आदमी 3 गाड़ियों में सवार होकर हजूर साहब से पंजाब जा रहे थे। तो रास्ते में इस्माइलाबाद के पास अजरावर ढाबे अजरावर गांव के पास नीलकंठ ढाबे पर खाना खाने के लिए रुके थे। तो उन्होंने जब ढाबा मालिक को खाना ठीक ढंग से ना देने खाना खराब होने की वजह बताई और उसको कहा कि आपका खाना ठीक नहीं है, आपका आटे में भी स्मेल आ रही है, आपके मक्खन में भी टेस्ट ठीक नहीं है, तो इसी बात पर कि कहा सुनी होगी। फिर उन्होंने कहा कि हम फूड सप्लाई इंस्पेक्टर से इसके सैंपल लुवाएंगे, तो इसी बात पर ढाबा मालिक ज़्यादा तहस में आ गया और ढाबा मालिक सतपाल सिंह और उसके लड़कों ने 5-6 लड़के थे उन्होंने मिलकर जो श्रद्धालु यात्री थे उनके साथ मारपीट की और उनकी गाड़ी के शीशे तोड़े, गाड़ी के भी तोड़फोड़ करी। इतने में 15-20 लड़के और आ गए, उन्होंने भी जो यात्री थे उनके साथ बेअदबी करी, मारपीट करी। जो इस सूचना पर हमने मुकदमा नंबर 245 अंडर सेक्शन 148, 149, 323, 506, 295A IPC के अंतर्गत एफआईआर अंकित कर दी थी और कल ही ढाबा मालिक वैगन ने लड़के को गिरफ्तार कर लिया था और आज सुबह 3 अन्य को, एक ढाबा मालिक का लड़का, 2 उसके और साथी, कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनको मान्य न्यायालय में पेश करने के लिए ले गए हैं और आगे भी अनुसंधान जारी है। इसमें गहराई से तफ्तीश की जा रही है, जो भी इसमें आरोपी होगा उनको शीघ्र ही गिरफ्तार करके उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई।